हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए चैप्टर सर्कल्स का एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन 1 एंड 2 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन 1, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल इज, ये चार ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। इसमें से क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है। देखते हैं, तो ये एक सर्किल है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ए सर्किल ड्रॉन विथ सेंटर ओ, ओ सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सिंस क्यू टी, ये क्यू और टी ये एक टेंजेंट है, इज ए टेंजेंट टू सर्किल एट टी एंड ओ टी इज रेडियस। ठीक है, ये ओ टी रेडियस हो गया, ये क्यू टी एक टेंजेंट है टी पॉइंट पर सर्किल का। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए जब ये रेडियस टेंजेंट पर पड़ता है तो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, तो इसलिए ओ टी इज परपेंडिकुलर, ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू टी। ठीक है, गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस ओ क्यू, ये 25 सेंटीमीटर है, दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको रेडियस फाइंड करना है। तो इसी इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया यहाँ, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इन राइट ट्रायंगल क्यू ओ टी, क्यू ओ टी में क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमको निकालना है ओ टी, है ना। तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, ऑपोजिट साइड, ये हो जाता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू ओ टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ टी क्या हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर इजकल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर में से क्यू टी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ टी निकल जाएगा। अब ओ टी स्क्वायर इजकल टू ओ क्यू स्क्वायर कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर, ये 24 है क्यू टी, तो 24 स्क्वायर, तो ओ टी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर देंगे, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, तो ओ टी स्क्वायर हो गया, ये 49 हो गया, इंटू 1 इजकल टू 41, इसलिए ओ टी इजकल टू रूट ओवर 49, तो ये हो गया ओ टी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ओ टी स्क्वायर है दिया हुआ, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये दिया हुआ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर 25 प्लस 24, 25 माइनस 24, ये हो गया 49, दोनों का प्लस, ये माइनस करने पर 1, ये हो गया 49, इसलिए ओ टी हो गया रूट ओवर 49, ओ टी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर कौन सा है, ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरे क्वेश्चन है फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। इन फिगर इफ़ टी पी एंड टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू आर दी टू टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट है विथ सर्किल ऑफ सेंटर ओ, ये सर्किल का टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है। सो दैट एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये 110 दिया हुआ है। देन एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें होगा, अब इसमें क्या लिखेंगे आंसर में, ड्रॉन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ से ये कर लिया। सिंस टी पी, ये टी पी एंड टी क्यू, ये टी क्यू आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल, है ना, सो दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए ओ पी, ओ पी ए है, इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑन पी टी, ये पी टी पर, एंड क्यू टी ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू टी, ठीक है। जब रेडियस किसी टेंजेंट पर गिरता है तो वहाँ क्या परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर, पी पर, और ओ क्यू ये हो गया परपेंडिकुलर, दोनों हो गया। अब इसमें एंगल ओ पी टी, ओ पी टी इजकल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी इजकल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो गया, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है एंगल्स का, 360 होता है, मीन्स पी ओ क्यू टी सब एंगल का सम क्या हो जाएगा 1360, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, पी ओ क्यू टी, क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी सम ऑफ एंगल्स इजकल टू 360, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ, टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ये चारों एंगल हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। अब इसमें क्या हो गया, पी एंगल पी टी क्यू प्लस ये टी पी ओ, ये टी पी ओ ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री डाल दिया, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये कितना है 110 है, तो 110 डाल दिया, और ओ क्यू टी, ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री है इजकल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू ये रह गया इधर, है ना, और ये सब प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस ये सब को प्लस में डाल देंगे ऐसे ही माइनस यहाँ करके, 90 प्लस 110 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी टी
क्यूब, ये कितना हो जाएगा 360 में से माइनस कर देंगे, ये हो गया 290, हो गया 90 प्लस 110, 290, 290 डिग्री, है ना। इसलिए एंगल पी टी क्यू इजकल टू, इसमें से माइनस कर देंगे, जीरो का जीरो, 16 में से 9 गया 7, ये 270 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब 70 डिग्री कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है 70 डिग्री, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक दो मार्क्स में, दो मार्क्स में ये पूछ सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।